फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैनन एकेडमी। ये टोपोलॉजी सीरीज का हमारा सिक्स्थ वीडियो है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ओपन और क्लोज सेट्स का रिजल्ट बोल दो या फिर थ्योरम बोल दो, उसका एक छोटा सा प्रूफ देखेंगे कि इसमें कैसे करना है। तो उससे पहले तो हम लोग थ्योरम को अगर प्रूफ कर रहे हैं तो उससे पहले कुछ बातों को जानना यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे टर्म्स आगे थ्योरम में यूज़ होने वाले हैं। तो जैसे हमने पहले भी अपने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि ये कोई इन्वर्सल सेट एक्स है, एक्स कोई एक इन्वर्सल सेट है और इसका कोई ए कोई सबसेट है, तो देन हमें ए कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो कैसे फाइंड करना है। ये पूरे सेट एक्स इन्वर्सल सेट एक्स माइनस ए अगर कर देंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। इसका हमें आगे यूज आने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। एक तो ये मुझे समझना है कि ए कॉम्प्लीमेंट होल सेट जो है पूरा इन्वर्सल एक्स एक्स माइनस ए कर देंगे तो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। देन नेक्स्ट क्या है, डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ आप सभी ने पढ़ा होगा या फिर मैंने बताया भी था अपने पिछले वीडियो में। डिमॉर्गन्स लॉ का ये क्या है, ये क्या बोलता है, बस कॉन्सेप्ट समझना है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हम लोग कर रहे हैं तो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इन डिमॉर्गन्स लॉ। एंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर कहीं ऐसा लिखा हो तो आप इसे ये लिख सकते हो इजली, और ये अगर ऐसा ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखा हो तो आप इसे डायरेक्ट यहाँ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हो, आगे इसका यूज़ भी आने वाला है। और एक इम्पॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि मैंने पीछे अपने प्रीवियस वीडियो में क्लोज सेट ओपन सेट के बारे में डेफिनेशंस और कैसे निकालते हैं हम ओपन सेट क्लोज सेट वो भी मैंने बताया था। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ, जैसे शॉर्टकट यहाँ है क्या है, ए इज क्लोज देन क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन एंड ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन देन ए इज क्लोज्ड। हम बोल सकते हैं ए कोई सेट है तो इसको हम क्लोज सेट बोल देंगे, ए क्लोज्ड है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये इफ ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन देन ए इज क्लोज्ड, ये मेरा हो जाएगा। ये रिजल्ट याद रखना है क्योंकि आगे मुझे इसका यूज आने वाला है। जैसे कि कैसे हम लोग जानते हैं, जैसे कि कोई सेट एक्स दे दिया, एक्स इक्वल टू ए भी दे दिया, टॉ को दे दिया, फाई एक्स सिंगलटन ए सिंगलटन बी, तो देन इसका क्या ओपन सेट हो जाएगा। इसके लिए हमने क्या बताया था कि ओपन सेट निकालने के लिए सबसे पहले क्या है कि ये जो टॉ है उसको टोपोलॉजी होना होगा। जब एक्स और टॉ टोपोलॉजिकल स्पेस अगर हो जा रहे हैं तो उस कंडीशन में टॉ के जितने सारे मेम्बर्स हैं, टॉ के जितने भी मेम्बर्स हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सेट बोलते हैं टॉ के ही मेम्बर को। तो टॉ तो टोपोलॉजी निकालने के प्रोसेस भी सबको पता है, तो वहाँ से हम लोग जान जाएंगे कि टोपोलॉजी है कि नहीं। ये टोपोलॉजी अगर हो गया तो इसका डायरेक्ट ओपन सेट्स क्या हो जाएगा, इसके जितने सारे मेंबर्स हैं वो ओपन सेट्स हो जाते हैं। और इसका क्लोज सेट निकालने के लिए हर एक ओपन सेट का क्लोज सेट निकालने के पहले ओपन सेट निकालना होगा, और ओपन सेट निकालने के हर एक जो इसके मेंबर्स हैं उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा क्लोज सेट हो जाएगा। ये ओपन सेट आएगा तो फाइव का कॉम्प्लीमेंट अगर निकाल लेंगे, वो निकालने का प्रोसेस मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो जैसे मैं से एक मैं बता दे रही हूँ, जैसे फाइव का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, फाइव कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, पूरे यूनिवर्सल सेट है तो उसी में से निकलेगा एक्स माइनस फाइव। तो देन एक्स माइनस फाइव क्या हो जाएगा, एक्स मेरा क्या है, एक्स तो यहाँ जो दिया हुआ है ए बी। देन एक मैं बता दे रही हूँ, ये ए कॉमा बी, ए बी ए माइनस फाइव क्या है, नल सेट मेरा हो गया, कुछ भी नहीं। तो ये निकलने के बाद क्या हो जाएगा, ए बी ही हो जाएगा। देन इस ए बी को आप क्या लिख सकते हो, एक्स। तो देन आप यहाँ पे क्या बोलोगे, फाइव का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालिए तो क्या आ जाएगा, फाइव कॉम्प्लीमेंट एक्स। मीन्स ए मेरा क्या हो गया, फाइव, ये फाइव जो ओपन सेट है तो इसका क्लोज सेट क्या हो गया, ए एक्स, एक्स मेरा क्या हो गया, क्लोज सेट। मतलब फाइव ओपन तो फाइव कॉम्प्लीमेंट एक्स मेरा क्या हो गया, क्लोज सेट। तो इसी तरह हर एक का हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें थी जो मैंने बताई है। अब मैं रिजल्ट पे चलती हूँ। ये क्या है, इसको आप थ्योरम बोल दो या रिजल्ट बोल दो, इसका प्रूफ मुझे करना है। तो ये दिया हुआ है, तो इसमें आपको क्या कह रहा है कि ए लेट एक्स टो बी टोपोलॉजिकल स्पेस,
ठीक, एक्स टॉप कोई टॉप लॉजिकल स्पेस है, और इफ एफ आई सच डेट आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, ये आई क्या है, इंडेक्स सेट होता है, ये तो पता है इंडेक्स सेट होता है, तो क्या है आई मेरा इंडेक्स सेट है, तो ये क्या है मेरा, ये मेरा आर्बिट्री फैमिली ऑफ क्लोज सेट है, ये एफ आई मेरा कोई आर्बिट्री फैमिली है क्लोज सेट का, तो ये कह रहा है कि आर्बिट्री फैमिली ऑफ क्लोज सेट जो है ये क्लोज सेट है सबसेट ऑफ एक्स का, तो कह रहा है कि ये इसका इंटरसेक्शन, इस आर्बिट्री फैमिली जो क्लोज सेट का है क्या ये इसका इंटरसेक्शन एफ आई जो दिया हुआ है ये भी क्या है, क्लोज है, टॉप क्लोज। मैंने बताया था कि कहीं कहीं आपको बुक में टॉप क्लोज भी मिलेगा या डायरेक्ट क्लोज सेट मिलेगा, या अगर यहाँ पे टी लेकर यूज कर रहा है तो टी क्लोज भी मिलेगा, तो सभी सेम है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है, सभी सेम है, तो यहाँ टॉप क्लोज है मीन्स क्लोज सेट। तो क्या करा कि आर्बिट्री फैमिली एफ आई, मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ, इस एफ आई को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, एफ आई का एफ आई मीन्स क्या है, एफ आई दिया है डेट मीन्स, इस एफ आई को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, एफ आई मतलब इंडेक्स सेट है, एफ वन कॉमा एफ टू सॉरी एफ थ्री, यही बढ़ेगा, एफ फोर ये बढ़ता जाएगा, यही क्या है मेरा आर्बिट्री फैमिली है क्लोज सेट का, आर्बिट्री फैमिली ये है सबसेट ऑफ एक्स ये है, तो आपको यही दिखाना है, यहाँ पर यही बता रहा है कि ये जो आर्बिट्री फैमिली है क्लोज सेट का, तो इसका इंटरसेक्शन जो लेंगे डेट मीन्स एफ वन इंटरसेक्शन, एफ टू इंटरसेक्शन, एफ थ्री इंटरसेक्शन, मतलब ये जाएगा, ये भी क्या होगा क्लोज होगा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ये भी मेरा क्लोज सेट होगा, ये आपको दिया ही हुआ रिजल्ट दिया ही हुआ है, मुझे प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, ये दिया हुआ है कि ऐसा ये प्रूफ है, इसको आप रिजल्ट बोल दो या थ्योरम बोल दो, ये प्रूफ है, तो इसमें हमें प्रूफ करके यहाँ पे दिखा देना है कि हाँ ये क्लोज्ड है, मीन्स आप समझे मैं बता रही हूँ क्या है कि एफ आई जो कोई फैमिली दे दिया है क्लोज सबसेट का ये एफ आई कह रहा है कि क्लोज है, तो क्या इसका इंटरसेक्शन जो हम लेंगे एफ आई क्या वो भी क्लोज है, हाँ दिया है, तो चलो प्रूफ करके दिखाते हैं कि हाँ ये होता है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले एक चीज़ तो जानना ही है, क्या यहाँ जो मेरा इंडेक्स एफ आई लिया इसका मतलब क्या है, क्या है प्रत्येक एफ आई, हर एक एफ आई क्या है यहाँ क्लोज्ड है, पहले मैं समझा देती हूँ, फिर प्रूफ बहुत ईजी है, प्रूफ करने में बस ये होता है कि जो भी दिया हुआ है उसको अच्छी तरह से समझ जाए क्या दिया हुआ है, फिर जैसा बोलेगा वैसा हम कर देंगे। तो ये क्या दिया हुआ है कि एफ आई, हर एक एफ आई मेरा क्लोज्ड है, हर एक एफ आई मीन्स एफ वन मेरा क्लोज्ड है, एफ टू मेरा क्लोज्ड है, यहाँ दिया है एफ थ्री मेरा क्लोज्ड है, हर एक एफ आई क्लोज्ड है, तो हर एक एफ आई का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा मेरा, ओपन होगा, क्योंकि हमने रिजल्ट पढ़ा है थ्योरम में भी, ये मैंने यहाँ लिखा भी है कि ए इज क्लोज देन ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, इफ ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन देन ए इज क्लोज, नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन है। देन यहाँ क्या बोल रहा है कि हर एक एफ आई क्लोज्ड है, देन क्या हो जाएगा हर एक एफ आई का कॉम्प्लीमेंट, ये एफ आई मतलब एफ वन एफ टू एफ थ्री ये सारे मेरे क्या है क्लोज्ड है, तो देन क्या ये एफ वन का कॉम्प्लीमेंट, ये एफ टू का कॉम्प्लीमेंट, ये एफ थ्री का कॉम्प्लीमेंट, ये सारे मेरे क्या हो जाएंगे, ये हर एक एफ आई एफ वन एफ टू एफ थ्री इज ये सारे मेरा क्या हो गया और क्लोज्ड, ये सारे क्लोज हो गए, तो क्या एफ वन का कॉम्प्लीमेंट एफ टू का कॉम्प्लीमेंट एफ थ्री का कॉम्प्लीमेंट ये सारे मेरे क्या हो जाएंगे ओपन हो जाएंगे, बाय डेफिनेशन जो हमने पढ़ा है क्लोज और ओपन सेट का डेफिनेशंस उसके हिसाब से क्या हो जाएगा मेरा सारे हर एक एफ आई क्लोज है, तो हर एक एफ आई का कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो यही तो मुझे दिया हुआ है, यही तो मुझे दिया हुआ है, ये क्या दिया है इंटरसेक्शन एफ आई इज क्लोज्ड, तो मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे मुझे प्रूफ करने के लिए तो यही दिया हुआ है कि आपको बता रहा है कि एफ आई अगर क्लोज्ड है तो एफ आई का कॉम्प्लीमेंट जो निकालेंगे वो क्या है ओपन होगा, ये एफ आई फैमिली एफ आई क्लोज्ड है, तो मुझे यहाँ क्या निकालना है एफ आई का कॉम्प्लीमेंट, एफ आई का कॉम्प्लीमेंट मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, एफ आई का कॉम्प्लीमेंट ये मुझे ओपन दिखाना है,
ए मुझे, सॉरी मैं यहाँ पर इंटरसेक्शन लगाना भूल गई, हाँ ये इंटरसेक्शन है। ये बोल रहा है कि हर एक एफ आई अगर क्या होगा, क्लोज होगा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट मुझे ओपन ये मुझे दिखा देना है, कि कॉम्प्लीमेंट एफ आई का, इंटरसेक्शन ऑफ एफ आई का कॉम्प्लीमेंट मुझे ओपन दिखा देंगे, तो ऑटोमेटिक इंटरसेक्शन ऑफ एफ आई मुझे क्लोज दे देगा। मैं प्रूफ करके यहाँ दिखा रही हूँ, पहले मैं इतना चीज़ तो समझा सकी, तो अब मैं आगे आगे मैं चलती हूँ। आगे यहाँ पर क्या करना है, प्रूफ में चलो, प्रूफ में मैं ऐसे लिख सकती हूँ, सिंस सिंस एफ आई इज क्लोज्ड, क्योंकि ये गिवेन है, जो दिया हुआ है मैं वही कर रही हूँ। एफ आई क्या है मेरा, क्लोज्ड है। किसके लिए एफ आई क्या हो गया यहाँ पर, फॉर ऑल आई, आई के सभी वैल्यू के लिए, जो इंडेक्स सेक्टर है मैंने बता दिया पहले ही। तो एफ आई यहाँ पर मेरा क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन से हम लोग क्या जानते हैं कि ए क्लोज, तो देन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ओपन। तो ये एफ आई क्लोज, तो देन क्या हो जाएगा, एफ आई का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ओपन। एफ आई का कॉम्प्लीमेंट को हम लोग लिख सकते हैं, एफ आई कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, किसके लिए, फॉर ऑल आई, आई के सभी वैल्यू के लिए। अब यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एफ आई का कॉम्प्लीमेंट ये क्या हो जाएगा मेरा, ओपन हो गया। तो अब हम इसका यूनियन यूनियन करके देख लें, क्योंकि हमने पढ़ा है आर्बिट्री यूनियन, हमारा डेफिनेशन ही है, हमने पीछे पढ़ा है कि आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज अगेन ओपन। ओपन सेट का आर्बिट्री यूनियन जो होता है वो क्या हो जाता है, अगेन ओपन हो जाता है। तो एफ आई कॉम्प्लीमेंट मेरा ओपन है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एफ वन का कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ टू का कॉम्प्लीमेंट, फिर यूनियन एफ थ्री का कॉम्प्लीमेंट, ये आगे मेरा जाएगा, ठीक है। इस अगेन ये क्या हो जाएगा, ओपन। क्यों ऐसा होगा, मैंने पढ़ा है कि आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज अगेन ओपन। आर्बिट्री यूनियन होता है ओपन सेट का, आर्बिट्री यूनियन पिछले मैंने प्रूफ भी किया था, तो वो क्या हो जाएगा, अगेन ओपन होता है। तो इसीलिए ये, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा था कि एफ आई कॉम्प्लीमेंट ओपन है, तो अब क्या हर एक कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करके देख लिए, वो भी क्या हो जाएगा, ओपन होगा। और ये होता क्यों, क्योंकि टॉ क्या है, टॉ इज टोपोलॉजी, क्योंकि टोपोलॉजी में ही होता है, उसके डेफिनेशन में भी हम लोग टोपोलॉजी, टॉ इज टोपोलॉजी सिंस। तो आगे मैं क्या लिख सकती हूँ, बाय डिमॉर्गन्स लॉ से, इसलिए मैंने पहले बताया डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ये सबका यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ क्या दिया है डिमॉर्गन्स लॉ से, यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, अगर सी कॉम्प्लीमेंट रहता, या दो ही का है तो दो का लेकर चलते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं बाय डिमॉर्गन्स लॉ से। तो यहाँ पर एफ वन कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ टू कॉम्प्लीमेंट ये दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एफ वन इंटरसेक्शन एफ टू इंटरसेक्शन एफ थ्री, जहां तक जाएगा ये होल का, मैं यहाँ कॉम्प्लीमेंट लिख सकती हूँ बाय डिमॉर्गन्स लॉ से। और ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, इज ओपन, क्योंकि इसी चीज को तो मैं ऐसे लिखी हूँ बाय डिमॉर्गन्स लॉ से, बोथ आर सेम ओपन। और यहाँ पर लिख दूंगी क्या, बाय डिमॉर्गन्स लॉ, बाय डिमॉर्गन्स लॉ, ये डिमॉर्गन्स लॉ से ऐसा हमने लिख दिया। अब मुझे क्या लिखना है, ये सारे का ये ओपन हो गया, तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इंटरसेक्शन एफ आई डायरेक्ट, जो मुझे यहाँ, ये मुझे जो यहाँ दिया है इंटरसेक्शन एफ आई, ये भी तो आई है, और होल पर मैं कॉम्प्लीमेंट चढ़ा दूंगी। मैं इसी चीज को मैं डायरेक्ट लिखी हूँ, इसी को मैं डायरेक्ट लिखी हूँ, इंटरसेक्शन आई
और एफ आई कॉम्प्लीमेंट ये मेरा क्या हो जाएगा, इज ओपन, इज मेरा ओपन। तो अब क्या देखना है, मैंने पीछे पढ़ा क्या पढ़ा, ए इज क्लोज इन ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। अगर कहीं ए कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो मैं ए को क्लोज लिख सकती हूँ, ऑफकोर्स लिख सकती हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन देन ए इज क्लोज। तो यहाँ क्या लिखा है, इंटरसेक्शन ऑफ आई एफ आई कॉम्प्लीमेंट इज ओपन देन क्या हो जाएगा, ये क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ एफ आई का कॉम्प्लीमेंट ओपन है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकती हूँ, पहले एक स्टेप और बढ़ाने के बाद, ये इंटरसेक्शन ऑफ एफ आई का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसे मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूं, इंटरसेक्शन ऑफ आई एफ आई इज ओपन, इसे मैं डायरेक्ट लिख, इस चीज को मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ ऐसे, क्योंकि बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ लिखी हूँ ए कॉम्प्लीमेंट, इसी ए कॉम्प्लीमेंट को तो x माइनस ए करके हमने लिखा है, तो मैंने ये इंटरसेक्शन ऑफ आई एफ आई को x माइनस इंटरसेक्शन आई एफ आई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि बोथ दोनों का लिखने का तो यही है, दोनों सेम है। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट x माइनस, मतलब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एफ आई इसको बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन एफ आई या एक्स माइनस इंटरसेक्शन आई एफ आई इज ओपन। यही तो मुझे लाना था, यही तो मुझे दिखाना था, क्योंकि मुझे अब दिखाना क्या है कि इंटरसेक्शन ऑफ आई एफ आई क्या है, ये क्लोज्ड है। ये क्लोज्ड कब होगा, इंटरसेक्शन ऑफ आई एफ आई क्लोज्ड कब होगा, जब कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन आई एफ आई ओपन हो जाएगा। आ रहा है समझ में, जब ए कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा, जब ए कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा तभी तो ए को क्लोज बोल सकते हैं। तो ये इंटरसेक्शन ऑफ आई एफ आई का कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन आई एफ आई ओपन हो गया, डैट मीन्स क्या हो गया कि इंटरसेक्शन ऑफ आई एफ आई क्लोज होगा। इस चीज को, यहाँ लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ एफ आई इज क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। किसमें क्लोज हो गया, इन एक्स टॉ, यही तो प्रूव करना था, क्योंकि यहां देखिए ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एफ आई ओपन है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन एफ आई ओपन है, डेट मीन्स क्या हो गया कि ये इंटरसेक्शन ऑफ एफ आई क्लोज होगा, जो यहाँ पे दे रखा है रिजल्ट में कि एक्सटॉ में कोई फैमिली एफ आई जो क्लोज सबसेट है, तो उसका इंटरसेक्शन अगर आर्बिट्री इंटरसेक्शन अगर ले रहे हैं तो वो भी क्लोज हो गया। तो ये भी यहाँ वही तो हम लोग को दिखाना था, यहाँ हम लोग दिखा दिए कि इंटरसेक्शन ऑफ आई एफ आई क्या हो गया, मेरा क्लोज हो गया। एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ ताकि समझ में आ जाए, मतलब आपको दे दिया है कोई आर्बिट्री फैमिली दे दिया है एफ आई, जो इंडेक्स सेट है ए आई, इसका मेंबर इस एफ आई का, मतलब मैंने बता दिया कि एफ वन एफ टू एफ थ्री हो गया, तो ये कोई आर्बिट्री फैमिली हो गया, ये आर्बिट्री फैमिली करा कि क्लोज्ड है, क्लोज सबसेट ऑफ एक्स का है, तो हमें दिखाना क्या है कि इसका जो इंटरसेक्शन होगा, इसका जो इंटरसेक्शन एफ आई जो होगा वो भी मेरा क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तो इसी के लिए हमने बता दिया कि हर एक एफ आई क्या है, मेरा क्लोज है, एफ आई इज क्लोज किसके लिए, हर एक आई के लिए, फॉर ऑल आई। तो एफ आई क्लोज हो गया देन एफ आई का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, मेरा ओपन हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ए इज क्लोज देन ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन बाय डेफिनेशन। तो ये हो गया, फिर आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज अगेन ओपन। तो उस कॉन्सेप्ट से हमने यहाँ इसको क्या किया, हर एक कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकाला, वो क्या हो गया, ओपन हो गया, क्योंकि टॉ इज टोपोलॉजी है। अब इस चीज को बाय डी मॉर्गन्स लॉ से हमने क्या कर दिया, F1 intersection F2 intersection F3 होल का कॉम्प्लीमेंट इज ओपन हो गया बाय डी मॉर्गन्स लॉ से। अब इस पूरे को ऐसे लिखो या डायरेक्ट लिखो ऐसे, मतलब इसको मैंने तोड़ कर लिखा, इसको डायरेक्ट लिख दिया इंटरसेक्शन आई एफ आई कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो गया, ओपन। देन अब ये ओपन हो गया, तो इस कॉम्प्लीमेंट को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इंटरसेक्शन ऑफ आई एफ आई का कॉम्प्लीमेंट को एक्स माइनस इंटरसेक्शन आई एफ आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि पीछे मैंने बताया है। तो ये भी क्या हो गया, ओपन।
तो अब मुझे तो ये दिखा देना है, मतलब एक्स सॉरी कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन आई एफ आई ओपन है, डेट मीन्स क्या हो गया कि इंटरसेक्शन ऑफ आई एफ आई क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो जो यही दे दिया, ये क्लोज हो गया इन एक्स टो, ये मेरा प्रूव्ड हो गया। ये तो ईजी था। तो ये तो आपने देखा कि ये क्लोज्ड है, तो इसका इंटरसेक्शन भी क्लोज्ड हो गया। तो क्या क्लोज्ड है तो क्या इसका यूनियन भी क्लोज्ड होगा? अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि यहाँ तो मतलब इंटरसेक्शन क्लोज हो गया, क्लोज फैमिली है तो उसका इंटरसेक्शन क्लोज हो गया, तो क्या इसका यूनियन भी क्लोज होगा? तो बस वो तो आप खुद से प्रूव कर सकते हैं, उसमें कुछ भी नहीं करना है, बस वही देख लेना है कि क्या वो नीड नॉट भी है, मतलब एफ आई कोई फैमिली है, सॉरी ये एफ आई है सच दैट आई बिलोंग्स टू इंडेक्स आई, ये मेरा कोई आर्बिट्री फैमिली है क्लोज सेट का, क्लोज सेट का। तो इसमें कह रहा है कि ये जो आपका होगा एफ वन यूनियन एफ टू यूनियन एफ थ्री, ये जो जाएगा ये आप प्रूव कर सकते हो, नीड नॉट बी, ये रिजल्ट है आपका एक क्लोज सेट, जरूरी नहीं है नीड नॉट बी क्लोज सेट। ये इसका यूनियन अगर हम निकालेंगे तो नीड नॉट बी क्लोज सेट, बट आपको एक चीज ध्यान देना है, ये आर्बिट्री यूनियन क्लोज नहीं होता है, वहां आर्बिट्री इंटरसेक्शन जरूर क्लोज होता है बट आर्बिट्री यूनियन क्लोज नहीं होता है। बट फाइनाइट यूनियन, फाइनाइट यूनियन ऑफ इस फैमिली का फाइनाइट यूनियन जो लेंगे, फाइनाइट यूनियन डेट इज जैसे कि अगर फाइनाइट यूनियन मीन्स क्या हो जाएगा कि एफ वन दो, कोई दो ले लिए, तीन ले लिए, एफ टू ऐसे ले लिए, अगर दो ही है, अगर मान लिए एफ थ्री तीन तक ले लिए, तो इसका अगर इस यूनियन का अगर क्लोज सेट का हुआ तो वो भी क्या हो जाएगा, यूनियन निकालने के बाद वो भी क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, क्लोज सेट हो जाएगा। जैसे यहाँ क्या है, इंटरसेक्शन में जो है क्लोज, मतलब आर्बिट्री फैमिली का अगर हम इंटरसेक्शन अगर कर रहे हैं तो वो भी क्लोज हो रहा है क्लोज सेट का, लेकिन अगर यूनियन अगर करेंगे तो वो जरूरी नहीं है कि वो भी मेरा क्लोज हो जाए उसके लिए। लेकिन फाइनाइट अगर लेंगे, फाइनाइट वन टू थ्री फोर अगर उसका फाइनाइट का अगर लेंगे तो क्लोज होगा, बट ये आर्बिट्री यूनियन नहीं होगा। तो बस इसमें इतना ही था, यही प्रूफ था, यही थ्योरम है। तो इसको बस थ्योरम में जो दिया है उसको देख के हम लोग प्रूफ आगे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट प्रूफ लेकर आऊँगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।